ओके स्टार्ट। ओके। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को शुभ प्रभात। आज हम प्रश्न संग्रह 7.5 गणित भाग 1 में प्रश्न 8 से प्रश्न 14 इन सभी प्रश्नों को हल करने हेतु इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले अन्य प्रश्नों को हल कराया जा चुका है अन्य शिक्षकों द्वारा, और मैं ये उम्मीद करूंगी कि आपको अब तक जितनी भी चीजें समझाई गई होंगी वो सब समझ में आया होगा, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आपको आगे के इन प्रश्नों को हल करना है, ठीक है ना? तो थोड़ी बहुत मैं जानकारी अपने प्रश्नों को हल करते समय भी देती जाऊंगी, और फिर भी यदि कोई शंका होगी तो अंत में आपको समय दिया जाएगा, आपको उस संदर्भ में पूछना है जो भी शंका आपकी होगी, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग अपने पास जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है उसे खोल दीजिए, क्योंकि प्रश्न संग्रह 7.5 जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 125 पर है, जहां पर हम प्रश्न 8 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 8 में क्या दिया गया है। 10 प्राप्तांक आरोही क्रम में लिखे गए हैं, 2, 3, 5, 9, x+1, x+3, 14, 16, 19, 20 आदि इनकी माध्यिका 11 हो, ठीक है? यदि इनकी माध्यिका 11 हो तो x का मान ज्ञात करो, ऐसा हमें कहा गया है। यहाँ पर 10 आंकड़े दिए गए बच्चों, और आरोही क्रम में लिखकर दिखाए गए हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए क्रम में हमें ये आंकड़े दर्शाए गए हैं, और हमें इनकी माध्यिका भी पहले से दे दी गई है। कितनी दी गई है? 11 दी गई है। तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है जो कि अननोन है, हमें वो अज्ञात मान को ज्ञात करना है। x कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको प्रश्न में? x आप देख सकते हैं, एक्स आप देखिए यहाँ आंकड़ों में x+1, x+3, इन दो जगहों पर आपको एक्स दिखाई दे रहा है, इसी एक्स का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। प्रश्नानुसार बच्चों आंकड़ों की जो संख्या है, यानी कि प्राप्तांकों की जो संख्या दी गई है प्रश्नानुसार, वो कितनी दी गई है? n बराबर 10 दी गई है। हम आंकड़ों की संख्या यानी प्राप्तांकों की संख्या को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और वो हमें प्रश्न में दे दी गई है 10। जब माध्यिका माध्यिका जब हम ज्ञात करते हैं तो उसके दो सूत्र होते हैं बच्चों। यदि सम संख्या हो तो सूत्र अलग होता है, और यदि विषम संख्या में आंकड़े दिए जाएं तो उसका सूत्र अलग होता है। फिलहाल हमारे इस सवाल में सम संख्या में आंकड़े दिए गए हैं, अर्थात हमें सम संख्या के आधार पर जो सूत्र लगता है या जो लगेगा वह सूत्र का उपयोग हमें करना होगा। तो क्या सूत्र है उसका? वो जो सूत्र है उसे हम पहले पार्ट्स पार्ट्स में छोटे छोटे रूप में उसको हल करके लेते हैं, और उसके बाद हम मान ज्ञात करते हैं, ठीक है, सूत्र के आधार पर। तो सबसे पहले सूत्र जो माध्यिका का है वो ये कहता है कि n/2 मैं लिखकर दिखा देती हूँ आपको, रुकिए। माध्यिका का जो सूत्र होता है बच्चों उसमें हम n/2 वा पद धन n/2 = 1वा पद, ये वा पद क्या है? उस नंबर की संख्या का जो पद है, यानी यदि n/2वा पद जो है वो 5 आता है तो आपको 5वीं संख्या लेनी है, n/2वा पद अगर 6 आता है तो आपको 6ठी संख्या लेनी होती है। तो देखिए माध्यिका का सूत्र होता है n/2वा पद n/2 = 1वा पद, दोनों के बीच में जोड़ हो रहा है, बटे दो, यानी इन दोनों का औसत ज्ञात करना होता है जब हम माध्यिका ज्ञात करते हैं तब। और ऐसा कब होता है? जब आंकड़े सम संख्या में दिए जाएं तब हमें इस सूत्र का उपयोग करना होता है, विषम संख्या के लिए अलग सूत्र होता है, ठीक है?
तो फिलहाल इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमें एन बट्टे दो वह पद निकालना है और एन बट्टे दो धन एक वह पद निकालना है। तो उस आधार पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन बट्टे दो हम यह ज्ञात करेंगे। देखिए एन बट्टे दो यानी कि 10/2, क्योंकि एन का मान हमें प्रश्नानुसार कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो जब आप 2 से 10 को भाग देंगे तो कितना आता है बच्चों, 5 आता है। अब हमें पांचवा पद यानी पांचवा प्राप्तांक ढूंढना है। हमारे डेटा में क्या दिया गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं प्रश्न में, उसमें पांचवा प्राप्तांक हम देखेंगे बच्चों क्या दिया गया है। यदि आप यहाँ पर आंकड़ों में देखेंगे तो पहला प्राप्तांक क्या है, 2 है। दूसरा प्राप्तांक क्या है, 3 है। तीसरा 5, चौथा 9। तो पांचवी संख्या जो आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी संख्या है, एक्स धन एक, यानी पांचवा पद यहाँ पर क्या हुआ, एक्स धन एक हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो एन बट्टे दो बराबर 10/2 बराबर 5 आया। तो अब हमें पांचवा प्राप्तांक जो आंकड़ों में हमने देखा वो क्या था, एक्स धन एक था। उसी तरह से एन बट्टे दो धन एक लेना होता है। एन बट्टे दो धन एक में हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर सेम तरह से हमें 10/2 धन एक लेना है। अब 10/2 का मान होता है 5, तो 5 धन एक होता है 6, यानी कि अब हमें छठा प्राप्तांक देखना है आंकड़ों में से। तो जब आप छठा प्राप्तांक देखेंगे सवाल में तो आपको ज्ञात होगा कि छठा प्राप्तांक सवाल में क्या दिया गया है, x धन 3 इतना दिया गया है, x धन 3। तो अब मैंने आपको माधिका का क्या सूत्र बताया था, एन बट्टे दो वा पद यानी कि पांचवा पद, एन बट्टे दो वा पद मतलब पांचवा पद जो कि हमने निकाला एक्स धन एक, और एन बट्टे दो धन एक वा पद यानी कि छठा पद वो क्या हमने निकाला, एक्स धन 3। इन दोनों को हमें जोड़ना होता है और फिर 2 से भाग देना होता है। फिर हमें क्या करना होता है, 2 से भाग देना होता है यानी दोनों का औसत निकालना होता है। तो इसे हल कैसे किया जाता है बच्चों, जब आप कोष्टक को खोलेंगे x धन एक धन x धन 3 बट्टे 2, यहाँ पर x और x का जोड़ हो जाता है जिससे ये हो जाता है 2x, आगे 3 और 1 आपस में जुड़कर बनते हैं 4, इसीलिए ये होता है धन 4। ठीक है, 2x धन 4, और डिनोमिनेटर में यानी नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है 2। अब यहाँ पर 2 जो है ये कॉमन बाहर निकाला गया है और कोष्ठक के अंदर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, x धन 2 दिखाई दे रहा है। नीचे डिनोमिनेटर में यानी हर में तो 2 है ही। अब ये जो 2 है और ये 2 है तो 1+2 कट जाएगा और आपके पास माध्यिका स्वरूप में क्या बच रहा है, x धन 2 यह बच रहा है। अब प्रश्नानुसार माध्यिका का मान बच्चों दिया गया है 11। यदि आपको ध्यान ना हो तो एक बार प्रश्न की तरफ देख लीजिए, प्रश्न में देख सकते हैं आप माध्यिका कितनी दी गई है, 11 दी गई है। ये देखिए माध्यिका कितनी दी गई है, 11 दी गई है। तो अब हमें जो यहाँ पर माध्यिका ज्ञात हुई थी वो x धन 2 इतनी ज्ञात हुई थी और प्रश्नानुसार माध्यिका जो दी गई है वो 11 दी गई है। इस आधार पर हम यह समीकरण तैयार कर सकते हैं, कौन सा समीकरण, x धन 2 बराबर 11, क्योंकि हमने जो ज्ञात की माध्यिका वह थी x धन 2 और प्रश्नानुसार जो हमें माध्यिका दी गई है वह 11 है। माध्यिका तो समान ही है, x धन 2 बराबर होगी किसकी, 11 की। जब हम यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे 2 का पक्षांतरण करके 11 में से 2 को घटाकर, तो हमें x का मान कितना प्राप्त होगा, 9। इस तरह से यह सवाल हल होता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न 9 की तरफ। यहाँ पर दिया गया है 35 प्राप्तांकों का माध्य 20 है, जिसमें पहले 18 प्राप्तांकों का माध्य 15 तथा अंतिम 18 प्राप्तांकों का माध्य 25 हो। तो 18वां प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस सवाल का जो मेन मुद्दा है उसकी तरफ बच्चों ध्यान दीजिए। सवाल में कहा गया है कि पहले 35 प्राप्तांकों का माध्य बता दिया गया है 20। 35 प्राप्तांकों का माध्य कितना बता दिया गया है, 20 इतना बता दिया गया है, जिसमें पहले 18 प्राप्तांकों का माध्य दिया है पहले और बाद में 18 अंतिम 18 प्राप्तांकों का माध्य बताया गया है सवाल में। यदि आप गौर से सोचेंगे तो 35 में शुरुआती जो 18 संख्याएं होती हैं
35 प्राप्तांकों में शुरुआती जो 18 संख्याएं होती हैं वो 1 से लेकर 18 तक की संख्या होगी, 1 से लेकर 18 तक की संख्या होगी। अब इन्हीं 35 प्राप्तांकों में अंतिम 18 प्राप्तांकों की अगर हम बात करेंगे, अंतिम 18 प्राप्तांकों की बात करेंगे तो 18वीं संख्या से लेकर 35वीं संख्या यानी 35वां प्राप्तांक, इस तरह से अंतिम 18 प्राप्तांकों में होगा। फिर से ध्यान दीजिए, कुल मिलाकर 35 प्राप्तांक है, शुरुआती यानी पहले 18 प्राप्तांकों में 1 से लेकर पहले प्राप्तांक से लेकर 18वें प्राप्तांक तक की संख्या होगी। अब अगले यानी अंतिम 18 प्राप्तांकों की अगर हम बात करें, अंतिम 18 प्राप्तांकों की अगर हम बात करें तो उसमें 18वें प्राप्तांक से लेकर 35वें प्राप्तांकों तक की संख्या होगी। अर्थात अगर आप ध्यान देंगे तो जो 18वां प्राप्तांक है वो पहले 18 प्राप्तांकों में भी आ रहा है और अंतिम 18 प्राप्तांकों में भी ये 18वां पद आ रहा है, ठीक है। यानी ये दोनों में क्या है, यहाँ पर कॉमन है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा तभी आप ये सवाल हल कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हमें सबसे पहले दे दिया गया है 35 प्राप्तांकों का माध्य जो दिया गया है 20। कितना दिया गया है? 20 इतना दिया गया है। जब आपको माध्य का फॉर्मूला आपने पहले किया होगा, माध्य का फॉर्मूला क्या है बच्चों? सामग्री के सभी प्राप्तांकों का योगफल बटे सामग्री के प्राप्तांकों की कुल संख्या, यानी जो भी सामग्री होती है उनका सबका योगफल लिया जाता है, ठीक है। और उसमें हम सामग्री के जो प्राप्तांकों की संख्या होती है उसे भाग देते हैं। माध्य ज्ञात किया होगा आपने, औसत की तरह ज्ञात किया जाता है माध्य। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें 35 प्राप्तांकों का माध्य दे दिया गया है 20, और उस आधार पर हम क्या करेंगे, 35 प्राप्तांकों का योगफल ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि माध्य का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? एक्स बार, माध्य को एक्स बार के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर हम सिग्मा एक्स आई करते हैं, सिग्मा एक्स आई यानी सभी प्राप्तांकों का योगफल, और बटे हम करते हैं एन, यानी कि एन जो होता है यहाँ पर क्या होता है, कुल सामग्री जो होती है उनके प्राप्तांकों की कुल संख्या जो होती है वो एन होती है, ठीक है। अब क्योंकि हमें योगफल ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें माध्य दे दिया गया है, माध्य कितना दिया गया है? 35 प्राप्तांकों का कुल हमें माध्य यहाँ पर दिया गया है, हाँ 20 दिया गया है, ठीक है। तो 35 प्राप्तांकों का माध्य हमें दिया गया है 20, और जो n दिया गया है, n ये हमें दे दिया गया है 20। क्या दे दिया गया? x बार दे दिया गया 20, और n जो है यानी कि प्राप्तांकों की जो संख्या है वो हमें 20 दे दी गई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? हमें माध्य में जो प्राप्तांकों की संख्या है उनका गुणा करना होगा। यदि हमें योगफल ज्ञात करना है तो हमें माध्य में प्राप्तांकों की संख्या का क्या करना होगा? गुणन करना होगा। तो हम यह करने के लिए इस तरह से हम करेंगे और योगफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 35 प्राप्तांकों का माध्य प्रश्नानुसार दे दिया गया था, इसीलिए 35 प्राप्तांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 35 प्राप्तांक है जो प्राप्तांकों की संख्या है, और 35 प्राप्तांकों का माध्य 20 दिया है, इन दोनों का गुणन करेंगे तो कितना होगा? 700, ठीक है। जो मैंने आपको फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया, माध्य बराबर होता है सभी प्राप्तांकों का योगफल बटे प्राप्तांकों की कुल संख्या। यदि हमें योगफल ज्ञात करना है तो हमें माध्य में प्राप्तांकों की संख्या का गुणन करना होगा। तो 35 प्राप्तांकों का योगफल अगर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है तो हमें प्राप्तांकों की संख्या में माध्य का गुणा करना होगा, जिससे हमें मिला 700। यही कार्य हम अन्य दोनों डेटा के साथ भी करने वाले हैं। प्रश्नानुसार हमें दिया गया है प्रथम 18 प्राप्तांकों का माध्य, जो प्रश्न में पहले से दिया है 15। कितना दिया है? 15। अब हमें यदि 18 प्राप्तांकों का योगफल ज्ञात करना है तो उसे ज्ञात करने के लिए हमें सामग्री की जो प्राप्तांकों की कुल संख्या है यानी 18, उसमें माध्य का गुणा करना होगा, जिससे गुणनफल आता है 270। कितना आ रहा है? 270 इतना आ रहा है।
अब प्रश्नानुसार और एक चीज बतलाई गई है, अंतिम 18 प्राप्तांकों का माध्य दिया गया है और वह कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। सेम उसी तरह से अंतिम 18 प्राप्तांकों का अगर योगफल ज्ञात करना है तो हमें सामग्री के जो भी प्राप्तांक है उनकी कुल संख्या का गुणन करना होगा। किससे करना होगा? 25 से, जिससे हमें गुणनफल मिलता है 450। आई बात समझ में? तो प्रथम 18 प्राप्तांकों का योगफल आ गया है 270, अंतिम 18 प्राप्तांकों का योगफल आ गया है 450। अब ये 18 और ये 18 कुल मिलाकर कितनी होते हैं? 36। इसमें आपको ध्यान देना होगा 18वां प्राप्तांक दोनों में शामिल है, प्रथम 18 में भी और अंतिम 18 में भी, ठीक है। तो अब हम 36 प्राप्तांकों का योगफल ज्ञात करने वाले हैं, जो हमें 18 प्राप्तांक, पहले 18 प्राप्तांक का योगफल मिला 270, अंतिम 18 प्राप्तांक का योगफल मिला 450। तो हम इस तरह से 36 प्राप्तांकों का योगफल ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से? हम यहाँ पर 270 और 450 का योग करेंगे, जिससे हमें योगफल मिलेगा 720। ये है 36 प्राप्तांकों का योगफल, जिसमें 18वां प्राप्तांक दो बार शामिल है। अब प्रश्न, जब हमने शुरू शुरू में सबसे पहले जो निकाला है वो क्या निकाला है? 35 प्राप्तांकों का योगफल निकाला है। ध्यान दो, हमने सबसे पहले क्या निकाला था? 35 प्राप्तांकों का योगफल यानी 700। और जो बाद में हमने निकाला वो 36 प्राप्तांकों का योगफल निकाला, और वह कितना निकाला बच्चों? 720 हमने इतना निकाला। ये 36 प्राप्तांकों का योगफल है 720, और 35 प्राप्तांकों का योगफल हमें कितना मिला है? 700। और 36 प्राप्तांकों में 18वां प्राप्तांक दो बार लिया गया है, यानी कि 36 प्राप्तांकों के योगफल में से जब हम 35 प्राप्तांकों के योगफल को घटाएंगे तो हमें वह 18वां प्राप्तांक प्राप्त होगा जो दो बार 36 प्राप्तांकों के योगफल में आ रहा है। चलिए ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि 36 प्राप्तांकों का योगफल जो होता है, 36 प्राप्तांकों का योगफल वह क्या है? 35 प्राप्तांकों का योगफल है धन 18वां प्राप्तांक एक बार और जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया 36 प्राप्तांकों में 18वां प्राप्तांक दो बार है, एक जो योगफल में पहले से शामिल है और एक ये दूसरी बार है। तो यहाँ पर हम मान रख रहे हैं, इस समीकरण में हम क्या रखेंगे? मान रखेंगे 35 प्राप्तांकों का योगफल हमें 700 प्राप्त हुआ है, धन 18वां प्राप्तांक जो हमें अज्ञात है बराबर 720। 720 क्या है? 36 प्राप्तांकों का योगफल है। तो अब 18वां प्राप्तांक जब हमें ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? 18वां प्राप्तांक ज्ञात करने के लिए हमें 700 का पक्षांतरण करना होगा, जिससे 720 ऋण 700 यह हो जाएगा, और हमें 18वां प्राप्तांक के रूप में जो संख्या प्राप्त होगी वह होगी 20। तो अंत में आपको स्टेटमेंट लिखकर दिखाना होगा कि 18वां प्राप्तांक 20 है। अब बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। 5 प्राप्तांकों का माध्य दिया गया है 50, यदि उनमें से एक प्राप्तांक कम करते हैं तो माध्य 45 हो जाता है, तो वह प्राप्तांक कितना है? कौन से प्राप्तांक की बात की जा रही है यहाँ पर? जो प्राप्तांक कम किया गया और जिसकी वजह से माध्य हो गया है 45, हमें उसी प्राप्तांक का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम माध्य का यहाँ पर सूत्र लेने वाले हैं। माध्य का सूत्र क्या बताया था मैंने? प्राप्तांकों का योगफल बटे प्राप्तांकों की कुल संख्या। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? माध्य का डिनोशन होता है एक्स बार। यहाँ पर एक्स बार जो है वह इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद प्राप्तांकों के योगफल को हम सिग्मा एक्स आई के द्वारा दर्शाते हैं, और प्राप्तांकों की कुल संख्या को हम किसके द्वारा दर्शाते हैं बच्चों? एन द्वारा दर्शाते हैं। अब प्रश्न में क्या कहा गया है? 5 प्राप्तांकों का माध्य दिया गया है। प्रश्न में 5 प्राप्तांकों का माध्य दिया गया है 50, ठीक है। तो हम यहाँ पर माध्य स्वरूप में क्या लिखेंगे? माध्य के रूप बदले यानी एक्स बार के बदले में हम क्या लिखेंगे? 50 इतना लिखेंगे। योगफल हमें ज्ञात नहीं है, और प्राप्तांक कुल कितने हैं? 5 प्राप्तांक है, यानी जो एन का मान है वो यहाँ पर कितना है? 5 है। इसीलिए आप देख सकते हैं एन के बदले में कितना लिखा गया है बच्चों? 5 इतना लिखा गया है। अब यदि
समेशन ऑफ xi यानी कि सिग्मा xi का मान निकालना है, तो सिग्मा xi का मान ज्ञात करने के लिए हमें 50 में 5 का गुणा करना होगा, जिससे हमें गुणनफल प्राप्त होगा 250। तो इस तरह से हमने कुल जो 5 प्राप्तांकों का योगफल है वह ज्ञात कर लिया है, और वह कितना है, 250 है। अब प्रश्न अनुसार आगे कहा गया है, उनमें से एक प्राप्तांक को कम किया जाए तो माध्य हो जाता है 45। ठीक है, एक प्राप्तांक कम करने पर माध्य हो जाता है 45। जब एक प्राप्तांक कम किया जाता है, बच्चों पहले प्राप्तांक कितने थे, 5 थे, अब एक प्राप्तांक कम किया जाएगा तो अब प्राप्तांक कितने हो जाएंगे, 4। और लेकिन जब हम प्राप्तांक कम करते हैं तो माध्य पर भी असर हो रहा है, कितना, माध्य अब परिवर्तित होकर 45 हो जा रहा है। पहले माध्य था 50, अब हो गया है 45। पहले प्रेक्षणों की संख्या या आप प्राप्तांकों की संख्या जो थी वो पहले थी 5, अब हो गई है 4। अब इस आधार पर हम इन आंकड़ों का योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल ज्ञात करने के लिए माध्य का ही सूत्र उपयोग में लाने वाले हैं। माध्य का सूत्र देखिए, सामने लिखा है x बार बराबर सिग्मा xi बटे n। यहाँ पर हम योगफल ज्ञात करने वाले हैं, तो योगफल के बदले यानी सिग्मा xi के बदले में सिग्मा xi ही लिखा हुआ है। n जो है प्रेक्षणों की संख्या होती है या प्राप्तांकों की संख्या होती है, वो कितनी है, 4 है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ 4 लिखा गया है। और जो माध्य है वो एक प्राप्तांक कम करने के बाद कितना हो जा रहा है, 45, इसलिए यहाँ पर 45 लिखा हुआ है। अब हम इसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, 4 का पक्षांतरण करने के पश्चात इसका गुणन होगा 45 के साथ, और 45 गुणे 4 बच्चों कितना प्राप्त होगा, 180 इतना प्राप्त होगा, या 180 है तो 180 इतना हमें गुणनफल प्राप्त होगा। तो ये हमें माध्य 45 के जो आंकड़े हैं उनका योगफल प्राप्त हुआ है 180, और जो 5 जो प्राप्तांक थे उनका योगफल हमें कितना प्राप्त हुआ, 250। अब हमें प्रश्नानुसार हमें कम किए गए प्राप्तांक का मान ज्ञात करना है। कम किए गए प्राप्तांक का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, 250 में से 180 को घटाना होगा। अब ये 250 क्या था, 5 प्राप्तांकों का योगफल था, और 180 क्या है, 4 प्राप्तांकों का योगफल है। तो 5 प्राप्तांकों में से जब हम 4 प्राप्तांकों के योगफल को घटाएंगे तो हमें वह प्राप्तांक प्राप्त होगा जिसे कम किया गया था आंकड़ों में से। ठीक है, तो 250 में से 180 घटाने पर अंतर कितना आ रहा है बच्चों, 70 इतना आ रहा है। तो जो कम किया गया प्राप्तांक वह कितना है, 70 है। तो आपको अंत में स्टेटमेंट लिखना होगा, कम किए गए प्राप्तांक का मान 70 है। कम किए गए प्राप्तांक का मान 70 है। अब 11वां सवाल देखते हैं। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 15 लड़के हैं, तो बाकी बची हुई क्या होंगी, लड़कियां होंगी। 40 अगर कुल विद्यार्थी हैं, 15 लड़के हैं, तो बचे हुए जितने भी बच्चे हैं वो सभी क्या होंगी, लड़कियां होंगी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल का माध्य दिया गया है, कितना दिया गया है माध्य, 33 दिया गया है, 33, तथा लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल कितना दिया गया है, 35 दिया गया है, यानी कि 35। कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो सबसे पहले जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, कुल विद्यार्थी आपके प्रश्न में 40 दिए हैं, लड़कों की संख्या 15 दी गई है, तो लड़कियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, 40 में से 15 को घटाकर, कि कुल विद्यार्थी 40 में से लड़कों की संख्या घटाने पर हमें लड़कियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि कितनी प्राप्त होगी, 25 इतनी प्राप्त होगी। अब हम आगे देखते हैं माध्य। माध्य का फॉर्मूला आपको पता है, x बार बराबर होता है सिग्मा xi बटे n, के माध्य का फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, ये क्या करने वाले हैं, अभी लड़कों द्वारा जो प्राप्त प्राप्तांक हैं उनके प्राप्तांकों का योगफल पहले ज्ञात करेंगे। किनके प्राप्तांकों का, लड़कों को जो प्राप्त हैं अंक उनका योगफल हम ज्ञात करेंगे। तो उसे ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न में जो मान दिए गए हैं वह मान आपको यहाँ पर रखने होंगे। माध्य आपको लड़कों के प्राप्तांकों का प्रश्न में कितना दे दिया गया है,
33 इतना दे दिया गया है, एन के बदले में हमें लड़कों की संख्या रखनी होगी, लड़के यहाँ पर कितने हैं, 15 हैं, इसीलिए 15 रखा गया है। और अब हमें योगफल यानी सिग्मा एक्स आई का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, 33 और 15 का गुणन करना होगा, 15 का पक्षांतरण होगा, जिससे 33 और 15 का क्या हो जाएगा, गुणन हो जाएगा। अब आप देखिए गुणनफल कितना आ रहा है यहाँ पर सिग्मा एक्स आई का, 495, यानी कि लड़कों के जो प्राप्तांकों का योगफल है वो कितना आपको ज्ञात हुआ, 495, 495। अब ये तो हमें ज्ञात हुआ लड़कों के प्राप्तांकों का योगफल। अब हम बात करेंगे लड़कियों के प्राप्तांकों के योगफल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले सवाल में यानी प्रश्न में लड़कियों के प्राप्तांकों का माध्य दे दिया गया है 35। ये माध्य आपको प्रश्न में पहले से प्राप्त है। और लड़कियों की संख्या हमने कैसे निकाली थी, 40 में से 15 को घटाकर, तो लड़कियों की संख्या थी 25। तो यहाँ पर वही माध्य का सूत्र उपयोग में लाएंगे जहां पर n के बदले हमें रखना होगा 25 और x बार यानी कि ये जो आप देख रहे हैं माध्य उसके बदले में हम रखेंगे 35, क्योंकि लड़कियों के प्राप्तांकों का माध्य 35 दिया गया है। अब योगफल ज्ञात करने के लिए हमें 25 का पक्षांतरण कर 35 और 25 का गुणन करना होगा, जिससे हमें गुणनफल प्राप्त होगा 875। ठीक है, तो यह जो हमें 875 प्राप्त हुआ है, यह क्या प्राप्त हुआ है, लड़कियों के प्राप्तांकों का योगफल यह प्राप्त हुआ है। अब क्योंकि हमें प्रश्न में बच्चों क्या कहा गया है, पूरी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात करने हेतु हमें कहा गया है, क्योंकि पूरे 40 बच्चों के प्राप्तांकों का माध्य हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम कुल 40 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें एन का मान तो 40 पता है, अब हमें पहले योगफल ज्ञात करना है। तो लड़कों के प्राप्तांकों का योगफल हमें मिल चुका है, लड़कियों के प्राप्तांकों का योगफल हमें ज्ञात हो चुका है, तो हमें कुल 40 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, दोनों योगफल को जोड़ना होगा, लड़कों के प्राप्तांकों का योगफल और लड़कियों के प्राप्तांकों के योगफल को हमें जोड़ना होगा, जिससे हमें योगफल स्वरूप में क्या प्राप्त हो रहा है, 1370। अब हमें 40 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात करने हेतु हमें माध्य का सूत्र यहाँ लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं योगफल के रूप में क्या रखा गया है, 1370, और कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 40 है, तो हम यहाँ पर 40 रखेंगे। जब हम ये भाग करेंगे तो भाग करने पर, भाजन करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 34.25। ये माध्य स्वरूप में हमें कुल विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य कितना प्राप्त हो रहा है, 34.25। अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अभी आपने माध्य और माध्यिका इन दोनों पर आधारित सवाल देख लिए हैं। अब ये जो सवाल है ये बहुलक पर है, और आपको पता होगा माध्य, माध्यिका और बहुलक ये सभी केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें जब आंकड़े बहुत ज्यादा मात्रा में, जब कोई सर्वेक्षण किया जाता है जिसके अंतर्गत आंकड़े बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं, तब हम इन मापन के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन से टर्म्स आते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो अब जो सवाल हम देखने वाले हैं वो बहुलक पर आधारित है। ठीक है, तो सवाल क्या दिया गया बच्चों, 10 विद्यार्थियों का वजन किग्राम में यानी किलोग्राम में निम्नलिखित प्रकार से दे दिया गया है। निम्नलिखित अर्थात सवाल में जब हम देखेंगे तो हमें दिखलाई पड़ेंगे डेटा जो दिए गए हैं, आंकड़े जो दिए गए हैं, 40, 35, 42, 43, 37, 37, 37, 42 और 37। हमें इनका बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक ज्ञात करना बहुत ही आसान है। बहुलक की क्या परिभाषा है, सामग्री में सर्वाधिक बार आने वाला प्राप्तांक ही उस सामग्री का बहुलक होता है।
यानी जो भी आंकड़ा आपको दिया गया है उसमें सबसे ज्यादा बार जो भी संख्या आपको दिखलाई पड़ रही है, जो भी आंकड़ा आपको सर्वाधिक बार सबसे ज्यादा बार दिखाई दे रहा है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा अधिक है, वही इस सामग्री का बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि कौन सा आंकड़ा कितनी बार आया है, यानी कौन सी संख्या यहाँ पर कितनी बार है। तो हमने हर जो वजन है, जितने भी वजन यहाँ दिए गए हैं, उन सभी वजनों को यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि 35 लिख दिया गया है, 37 लिखा गया है, ये सब आंकड़ों में पहले ही प्रश्नानुसार आपको दिए हैं, 35 दिया है, 37 दिया है और 40 दिया है, 42 दिया है, 43 दिया है। तो इस तरह से हमने सभी आंकड़ों को लिखा है। अब उनकी बारंबारता जब आप चेक करेंगे तो देख सकते हैं आप 35 आंकड़ों में कितनी बार आया हुआ है, तो 35 जो है ये दूसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है। जब आप आंकड़ों की तरफ देखेंगे तो दूसरी संख्या आपको 35 दिख रही है, फिर तीसरी 42 है, चौथी 43 है, पांचवी 37 है और फिर छठे नंबर पर आपको 35 फिर से दिखाई दे रहा है। 35 अब तक कितनी बार आ चुका है? 2 बार। अब आप आगे देखिए, 35 आ रहा है, 37 है, 37, 42, 37, अब आपको 35 नहीं दिखा। तो 35 यहाँ पर टोटल कितनी बार आया बच्चों? 2 बार आया। इसीलिए बारंबारता में हम क्या लिखेंगे, 35 की बारंबारता बच्चों कितनी है यहाँ पर? 2 है। तो 35 की बारंबारता कितनी हुई? 2। इसी तरह से आप 37 को जब आप काउंट करेंगे, यानी 37 को गिनेंगे आंकड़ों में, तो आपको कितनी बार प्राप्त होगा? वो 4 बार। 40 जब आप प्राप्त करेंगे तो कितनी बार प्राप्त होगा? 1 बार। 42 जब आप प्राप्त करेंगे तो कितनी बार आपको प्राप्त होगा? 2 बार। और 43 जब आप देखेंगे तो कितनी बार प्राप्त हो रहा है? 1 बार। तो इस तरह से हमने सबकी बारंबारता, यानी सब अलग अलग जो वजन दिए गए हैं उनकी बारंबारता जो है वो यहाँ पर ज्ञात की। अब हमें देखना है कि सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक बारंबारता कौन से वजन की है। तो आप देखेंगे सर्वाधिक बारंबारता किसकी दिखाई दे रही है, जो 4 संख्या है, ये कौन से वजन की बारंबारता है? 37। यानी कि क्योंकि 37 किग्रा की बारंबारता सर्वाधिक है, इसीलिए बच्चों यहाँ पर बहुलक स्वरूप में हम क्या लिखेंगे? 37 किग्रा इतना लिखेंगे, किग्रा अर्थात किलोग्राम। ठीक है, तो बहुलक क्या होगा बच्चों इस सामग्री का? इस सामग्री का बहुलक होगा 37 किलोग्राम। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 13 पर। निम्नलिखित तालिका में कुछ परिवारों के 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या दर्शाई गई है। इस आधार पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या का बहुलक ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो बच्चों की संख्या दे दी गई है और परिवार दे दिए गए हैं कि कितने परिवार में बच्चों की संख्या 1 है, कितने परिवार में बच्चों की संख्या 2 है, कितने परिवार में बच्चों की संख्या 3 और कितने परिवारों में 4। तो देखिए 15 परिवारों में 1 है, 25 परिवारों में 2 है, 5 परिवारों में 3 बच्चे हैं और 5 परिवारों में 4 बच्चे हैं। इस तरह से हमें आंकड़े दिए गए हैं और परिवार के यहाँ पर देखिए बारंबारता हमें लिखकर दिखलाया गया है। अब आप देखेंगे तो सारणी में सर्वाधिक जो बारंबारता कहाँ पर दिखाई दे रही है, बारंबारता स्वरूप में यहाँ परिवार को लिया गया है और सर्वाधिक बारंबारता आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है बच्चों? 25, ये दिखाया जा रहा है। बारंबारता में सर्वाधिक बारंबारता 25 परिवारों की दर्शाई गई है, यानी कि सबसे अधिक परिवार यानी कि 25 परिवार में 2 बच्चे हैं। तो दी गई सामग्री का बहुलक क्या होगा बच्चों? 2 होगा। आपको बारंबारता, आपको ध्यान क्या देना है, बारंबारता को आपको बहुलक स्वरूप में नहीं लिखना होता है। कौन से आंकड़े की बारंबारता सर्वाधिक है उस आंकड़े को बहुलक स्वरूप में लिखना होता है। तो यहाँ पर 2 बच्चे के जो परिवार हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए बहुलक स्वरूप में आपको क्या लिखना होगा बच्चों? 2 लिखना होगा। अब हम अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। ये प्रश्न क्रमांक 14 है आपकी पाठ्य पुस्तक का। निम्नलिखित सामग्री का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको प्राप्तांक दे दिए गए हैं 35, 36, 37, 38, 39, 40, इस तरह से, और
विद्यार्थियों की संख्या भी दे दी गई है 9-7-9-4-4-2। यहाँ पर बारंबारता स्वरूप में हम क्या लेने वाले हैं, विद्यार्थी संख्या। आपको बारंबारता की जो सारणी है या कॉलम है यहाँ पर आपको चेक करना है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक बारंबारता कौन से आंकड़ों की दर्शाई गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो प्राप्तांक है 35, उसकी बारंबारता सर्वाधिक दिखलाई पड़ रही है 9, और 37 इसकी भी बारंबारता आपको कितनी दिखलाई पड़ रही है 9। ठीक है, अन्य सभी बारंबारता जो है 7-4-4-2 ये सभी क्या दिखलाई पड़ रही है, कम दिखलाई पड़ रही है। सर्वाधिक स्वरूप में हमें दो आंकड़ों की बारंबारता सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है दो प्राप्तांकों की, वह है 35 और 37। तो बच्चों यहाँ पर बहुलक क्या होगा, 35 अंक और 37 अंक ये दोनों होंगे बहुलक। यहाँ पर बहुलक के मान दो आएंगे 35 और 37। आप इस तरह से बहुलक के दो, अगर आंकड़ों में आपको कहीं तीन ऐसे दिखलाई पड़ते हैं जिनकी बारंबारता सर्वाधिक है तो आप तीन आंकड़ों को भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ दो प्राप्तांक हैं जिनका बहुलक या जिनकी बारंबारता सर्वाधिक है, तो अंत में आपको उत्तर किस तरह से लिखना है, दी गई सारणी में प्राप्तांक 35 व 37 की बारंबारता सर्वाधिक है इसलिए बहुलक 35 तथा 37 है। ठीक है, 35 और 37 क्योंकि 9-9 बार आ रहे हैं, बारंबारता उनकी 9 बार है इसलिए बहुलक स्वरूप में हम लिखेंगे 35 तथा 37 अंक है। आपको अंक इकाई स्वरूप में यहाँ क्या दर्शाना है, अंक 35 तथा 37 अंक है। तो बच्चों इस तरह से हमें आज जो टॉपिक कवर करना था प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर प्रश्न क्रमांक 14 ये हमारा संपन्न हो चुका है। इस संदर्भ में यदि आपको कोई भी शंका हो तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो मिस, बहुलक मतलब क्या होता है मिस? बहुलक बच्चों जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा बार जो भी प्राप्तांक आपको दिखाई दे रहा है वो बहुलक होता है। जो भी आंकड़ा दिया गया है जो उसमें सबसे ज्यादा बार जो भी आंकड़ा, जैसे कि हमने पहला सवाल कौन सा बहुलक का देखा था, ये वजन वाला। अभी आप वजन वाला जो दिया है सवाल, इसमें ना जब आप देखोगे 40 है, 35, 42, 43, 37, 35, 37, 37, 42, 37, इस तरह से इतने सारे आंकड़े दे दिए गए। अब इन सभी आंकड़ों में जब आप चेक करोगे तो कौन सा आंकड़ा आपको सर्वाधिक, कौन सी संख्या आपको सबसे ज्यादा बार आंकड़ों में दिखाई पड़ रही है, जिस सब कौन सी संख्या का की बारंबारता सर्वाधिक है वह आपको देखना है। जब हमने यहाँ पर गिना तो 37 जो है देखो वो कितनी बार आ रहा है, 37, 3 और ये 4, इसकी बारंबारता हमें मिली 4 बार, यानी 37 की बारंबारता यहाँ पर हमें सर्वाधिक स्वरूप में मिली है इसलिए बहुलक जो है वो यहाँ पर कौन सा होगा, 37 होगा, 37 की ग्राम या 37 किलोग्राम। इस तरह से परिभाषा क्या है इसकी, सामग्री में सर्वाधिक बार आने वाला प्राप्तांक ही उस सामग्री का बहुलक कहलाता है। आया समझ में? हेलो, अभी किसी के रेज हैंड नहीं है मिस, तो क्लास एंड कर दीजिए। अच्छा सर, थैंक यू सर।